हाय दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है मेरे दोस्त। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना और गौर से समझना। वीडियो पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जी हाँ दोस्तों, आप वीडियो अपलोड करेंगे, व्यूज भी आएंगे, लेकिन फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, जो नए यूट्यूबर सावधान हो जाइए, आपका चैनल मोनेटाइज भी नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, इसलिए क्यों नहीं होगा, तो मेरी बात को गौर से सुनिए और समझिए। वीडियो डालते रह जाओगे, अपलोड करते रह जाओगे, सब्सक्राइबर भी गेन होंगे, लेकिन चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। और कौन सा फीचर है, कौन सा सेटिंग न्यू अपडेट आ गया है YT स्टूडियो में, जाके आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, जिसके चलते आपका चैनल मोनेटाइजर नहीं हो पाएगा, आप में वो फीचर ऑन नहीं रहेगा। तो जी हाँ दोस्तों, तो चलिए मैं बात करता हूँ अपना YT स्टूडियो को ऑन करके दिखाता हूँ कि आपको कौन सा फीचर ऑन करना चाहिए जिसके चलते आपका चैनल मोनेटाइज हो जाए, और उसके अंदर क्या क्या कमियां होनी चाहिए, क्या क्या अच्छाइयां होनी चाहिए, वो सारे मैं आगे बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। जैसे कि मैंने अपना मोबाइल स्क्रीन लॉक खोला, फिर आपको दिखाता हूँ YT में जाके कि कौन सा वेरिफिकेशन करना चाहिए जिसके चलते आपके चैनल को मोनेटाइज होने में कोई दिक्कत ना आ जाए। वीडियो डालते रहोगे, एक फूटी कौड़ी भी नहीं पाओगे। यह तो जैसे कि मैंने कमाई पे गया, YT ऑन करके फिर कमाई पे मैंने गया। कमाई पे जाने के बाद आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा, जैसे मेरा खुल रहा है। उसके बाद आपको इसके अंदर चेक करना है। जी हाँ दोस्तों, नेटवर्क स्लो चल रहा है इसलिए नहीं खुल रहा है। इसके अंदर क्या चेक करना है कि हमारे इसके अंदर दो वेरिफिकेशन, टू वेरिफिकेशन चरण एनेबल है या डिसेबल है। जी हाँ दोस्तों, ये मेन पॉइंट है। पहला नंबर मेन पॉइंट ही मैं बताता हूँ, बहुत वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है जो मेन पॉइंट है। जैसे कि इसके अंदर दिख रहा है इस तारीख का डेटा दिखाया गया है, 1 अप्रैल 2024 नया अपडेट आ गया है, क्योंकि 7 दिन पहले, 7 दिन पिछले का हिस्सा आपको डेटा में दिखाई देगा। ये अपडेट आ गया है, आप ध्यान देना, सतर्क रहना। आप जो 7 दिन काम किए हैं उसका डेटा इसके अंदर नहीं दिखाई दिया है, आप देख सकते हैं। 254 फदर्स हैं, 75 घंटा वाट टाइम है, और 7 दिन व्यू 38,000 है, और 90 दिनों में इसके कुछ फायदे और नियम सत्य जो पढ़नी कर सकती है। आवेदन करने के बारे में जाने, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्लिक किया, आवेदन करने के बारे में जाने मैंने क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि क्या क्या वेरिफिकेशन होना चाहिए जिससे चैनल पे मोनेटाइज हो जाए। वीडियो डालते रहे जाओ, 1 साल 2 साल आपका चैनल में काम करोगे, फिर भी आपका चैनल रिजेक्ट कर दिया जाएगा यूट्यूब की तरफ से। तो कोशिश करें, ध्यान दिया, सतर्क रहे। तो इसमें लिखा है यूट्यूब मदद सहायता केमिस्ट्री क्रिएटर की सलाह, इसके अंदर आप देख सकते हैं यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के बारे में खास जानकारी, इससे जुड़े जरूर सकते हैं। यूट्यूब पार्टनर के प्रोग्राम में आप जुड़े रहेंगे तभी आपको 1 रुपया मिलेगा यूट्यूब की तरफ से, नहीं जुड़े रहेंगे तो आपको फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगा। तो इसमें लिखा है हम आपको यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में क्रिएटर के शामिल होने के मौका दे रहे हैं, इसमें जो फाइंड फंडसिन और यूट्यूब शॉपिंग सुविधा जल्द मिल जाएगी, ज्यादा क्रिएटर के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है, यानी कि आपको बहुत सारा सुविधा यहाँ पर शॉपिंग के लिए यूट्यूब से के लिए आपको सुविधा कराया जा रहा है, जिसके चलते आपको देश इन देशों इलाकों में उपलब्ध है। अगर आप इन देश इलाके में हैं तो आपको यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम होने वाले बदलाव के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद अगर आप इनके देश इलाकों में नहीं है तो यूट्यूब पार्टनर के जो सत्य को कोई बदलाव नहीं हुआ है। उसके बाद आप कमाई कैसे करेंगे, जैसे कि देखें कि ज्यादा क्रिएटर के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम आपके लिए उपलब्ध है या नहीं। अगर आप उपलब्ध नहीं है तो यूट्यूब स्टूडियो में कमाई करें सेक्शन पर जाकर सूचना पाए चुनिए, और हम प्रोग्राम लॉन्च करने के बाद लॉन्च इसकी जरूरी में शर्तें पूरी कर लेंगे, ईमेल हम भेजेंगे। आप अपने कमाई के सेक्शन में जाके ये सेटिंग में ऑन करेंगे, सूचना पा सकते हैं कि आप कमाई कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। आपका चैनल मोटा ये हो जाए फिर भी 1 रुपया नहीं मिलेगा, अब ध्यान देना मेरी बात को। उसके बाद YouTube पार्टनर प्रोग्राम में शामिल होकर क्रिएटर YouTube के संसाधनों और कमाई करने की सुविधा को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं, साथ ही उन्हें हमारी क्रिएटर सत्ता सहायता टीम से संपर्क करने की सुविधा भी मिल सकती है। सहायता टीम से सुविधा भी मिल जाएगी आपको YouTube पार्टनर प्रोग्राम में शामिल होंगे तब, बीच में नहीं होगी, 1 भी रुपया नहीं मिलेगा। उसके बाद संपर्क करने की सुविधा भी मिल सकती है, इस प्रोग्राम में शामिल क्रिएटर के साथ उनके वीडियो पर विज्ञापन दिखाने के लिए रिव्यू को बांटा जाता है। आप जब आप तक आपके वीडियो में विज्ञापन नहीं आएगा यानी कि एड्स नहीं आएगा तब तक आप पैसा नहीं पाएंगे, 1 भी रुपया नहीं पाएगा, बांटा जाएगा। उसके बाद प्रोग्राम शामिल होने के बाद सुविधा को इसकी जरूरत शर्तों की इसके लिए आवेदन करने के ज्यादा जानने के लिए यहाँ लिख पड़े, फिर नीचे देखिए आपको इस प्रोग्राम शामिल होने के लिए आपको क्या करना होगा, इस प्रोग्राम को फंसाने होने के लिए आपको क्या करना होगा। YouTube पर चैनल कमाई करने की नीतियों को पालन करना होगा, जैसे चैनल की कमाई की नीतियां जो होती है उसको पालन करना होगा। ये वही नीतियां निर्देश की जिनकी मदद से YouTube पर कमाई की जा सकती है, इस YouTube के साथ उस कानून समझौतों को स्वीकार करने की नीतियों के निर्देशक को पालन करना बहुत जरूरी है। जो YouTube के निर्देशक नीतियां हैं उसको पालन करना बहुत जरूरी, तभी आप पैसा कमा पाएंगे YouTube से, आपका चैनल मोनेटाइज होगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन 1 रुपया नहीं मिलेगा। यह जरूरी है कि उस देश इलाके में जहां YouTube पार्टनर प्रोग्राम उपलब्ध है उनके चैनल को कम्युनिटी जैसे उल्लंघन स्ट्राइक गाइड नहीं होना चाहिए।
आपके चैनल पर कोई स्ट्राइक गाइड या कम्युनिटी निर्देश के उल्लंघन कुछ भी नहीं होना चाहिए, तभी आपको यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में उपलब्ध कराया जाएगा, बीच में नहीं हो पाएगा। यानी कि आपके चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक या एडिट कंटेंट या फिर आपके चैनल पर कोई कॉपीराइट स्ट्राइक, ये सारा चीज और जो इसके अंदर वीडियो में जो आपको वीडियो पे ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए, किसी दूसरे का कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, ये सारे शर्तें आपको जब मिलेगी तब जाके आप अपने यूट्यूब प्रोग्राम में शामिल हो पाएंगे। शामिल होने के बाद आप उसके पैसा फिर कमा सकते हैं अपने वीडियो अपलोड करके, आपके वीडियो पे एड्स तभी आएगा, बीच में नहीं आएगा। उसके बाद आपके गूगल खाते के दो चरण पुष्टि करने की सुविधा चालू होना चाहिए, आपके जो चरण आपका नंबर वेरीफिकेशन आपके चैनल पे वेरीफिकेशन होना चाहिए, दो चरण का सुविधा चालू होना चाहिए, नहीं होगा तो आपका एक रुपया भी नहीं मिलेगा। आपके पास यूट्यूब के एडवांस सुविधाओं का एक्सेस होना चाहिए, जो एडवांस फीचर सुविधा आते हैं यूट्यूब में वो एक्सेस आपके पास होना चाहिए, जरूरी होना चाहिए। फिर आपके चैनल के लिंक किया हुआ एक चालू एड्रेस के यूट्यूब खाता होना चाहिए। जैसे कि आपके यूट्यूब एक गलती कर देते हैं, जब यूट्यूब आपका ईमेल आईडी मांगता है तो आप सब लोग दूसरा ईमेल आईडी लगा देते हैं, जो चैनल पे ईमेल आईडी लगा है वही चैनल पे वही ईमेल आईडी एड्रेस के यूट्यूब खाते में होना चाहिए, तभी आपका खाता चालू होगा, तभी उसके एड्रेस में आपका पैसा आएगा यूट्यूब जब भेजेगा। खाता एड्रेस में खाता नहीं है तो यूट्यूब स्टूडियो में जाकर खाता अपना सेटअप कर सकते हैं, वाइट स्टूडियो में आप जाके अपना खाता सेटअप कर सकते हैं, इसके लिए पूरी जानकारी दिया हुआ है। यूट्यूब स्टूडियो में जाकर सिर्फ नया एड्रेस के यूट्यूब खाता बनाए, इसके लिए जानकारी दिया हुआ है, आप बना सकते हैं अपना एड्रेस, अपने ईमेल जो यूट्यूब पे ईमेल आईडी लगा हुआ है वही ईमेल आईडी आपको यहाँ पे लगाना। आप बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, दूसरा ईमेल आईडी लगा देते हैं जिसके चलते उनका पैसा उस ईमेल आईडी पे जाता है, लेकिन ध्यान दीजिए जो चैनल का ईमेल आईडी है वो दोनों खाते से मैच होना चाहिए, यानी कि एक होना चाहिए, तभी आपका पैसा आपके गूगल एड्रेस में आएगा। प्रोग्राम के शर्तें के पूरा करने का तरीका, जैसे कि इसके अंदर जब मैं शर्तें पूरा कर लूं तब मुझे सूचना दे, जब आपका शर्तें पूरा हो जाएंगे, जैसे कि आपके चैनल पर 1000 सदस्य और पिछले 12 महीनों में लंबी अवधि के आपकी सार्वजनिक वीडियो को 4000 घंटा तक देखा गया हो, या फिर आपके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर और सार्वजनिक तौर पर देखने जाने का शॉर्ट वीडियो 90 दिनों के अंदर 1 करोड़ व्यूज मान मिले हो, तभी आपका ये शर्तें पूरी होगी। जब आपका ये शर्तें पूरी हो जाएगी तो आपको सूचना मिल जाएगा यूट्यूब की तरफ से, ईमेल पे सूचना मिल जाएगा, आप ये सेटअप दे सकते हैं। उसके बाद आपको प्रोग्राम में जरूरत शर्तें के बारे में जानकारी, इसके अंदर जो शर्तें हैं आपको, इन शर्तों की मदद से आपके फैसले लेने की आसानी होती है, आपका चैनल हमारे नीतियों के निर्देशक के मुताबिक या है या नहीं है, आवेदन करने के बाद आपके चैनल की समीक्षा की जाएगी। जब आप आवेदन करेंगे, जब आप 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वाट घंटा पूरा हो जाएंगे तो आप आवेदन करेंगे, समीक्षा की जाएगी, ताकि आप पता चला सके कि हमारे नीतियों निर्देशों को मुताबिक है या नहीं है, क्योंकि आप YouTube के निर्देशों के पालन करें हैं या नहीं किए हैं वो आपको समीक्षा में आपको चैलेंज की आपके समीक्षा को आपके चैलेंज की समीक्षा की जाएगी, यानी कि आवेदन करने से पहले। उसके बाद आप हमारे नीतियों के निर्देशों के मुताबिक होगा YouTube प्रोग्राम में शामिल कर लिया जाएगा। जब ये सारा नीति आपको कन्वर्ट कर लेगा, आप YouTube चेक कर लेगा आपके चैनल को, तब आपको YouTube प्रोग्राम पार्टनर प्रोग्राम में शामिल कर लिया जाएगा। ध्यान रखे कि YouTube प्रोग्राम में शामिल चैनलों को समय समय पर जांच करते रहते हैं, ताकि आप पक्का कर सके कि हमारे नीतियों का निर्देशों के मुताबिक है या नहीं है, क्योंकि आप आगे चल के भी उनका नीतियों का पालन करना पड़ेगा हमेशा। YouTube के जो नीतियों है कानूनी उल्लंघन है वो आपको नहीं डिस्टर्ब करना होगा, उनको पालन करना होगा, हमेशा वो चेक करते रहेंगे, हर महीने में आपका कहीं भी उल्लंघन करेंगे तो आपका चैनल वहां से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं वीडियो डालते रह जाओगे, पैसा एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगा, वीडियो ध्यान से देखना, स्किप मत करना, बहुत मेन पॉइंट है। अगर आपका चैनल YouTube प्रोग्राम में शामिल होने के आवेदन सभी जरूरतें पूरी करता है तो कंप्यूटर या मोबाइल पर इस्तेमाल करके लिए आवेदन करें, जैसे कि एंड्रॉइड से कर सकते हैं, कंप्यूटर से कर सकते हैं, और जी हेलो। तो ये सारे जैसे YouTube अपने YouTube स्टूडियो में एप्लीकेशन खोले और नीचे जगह मौजूद को कमाई करने के लिए टैप करे, ये तो आवेदन करने के अभी आवेदन करने को चुना बुनियादी बिगड़ शुरू कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं, तभी आपके खातों को YouTube प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा, फिर आपको पैसा मिलेगा, तभी 1 रुपया कमा सकते हैं, या तो वरना वीडियो डालते रहोगे 1 रुपया फूटी कोड़ी भी नहीं पाओगे यूट्यूब की तरफ से, कोई दूसरा पैसा आपका ले जाएगा। ध्यान दे, फिलहाल यूट्यूब स्टूडियो में एप्लीकेशन में सिर्फ आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध है, सिर्फ आप आवेदन कर सकते हैं यूट्यूब अपने स्टूडियो में, जो आपका 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वाट घंटा पूरा हो जाए तब आवेदन कर सकते हैं। फिर आवेदन करने के बाद आपको समीक्षा कराए चरण में प्रोसेस जारी है दिखाई देगा, इसका यह मतलब है कि हमें आपका आवेदन मिल गया है, इसमें लिख हो जाएगा कि
समीक्षा कराए चरण में प्रोसेस जारी है, इतना खाली लिखे लिख जाएगा उसमें दिख जाएगा। इसका यह मतलब है कि आपका आवेदन यूट्यूब के पास पहुंच गया, हमको मिल गया है, यूट्यूब बोलता है। फिर उसके बाद आपको आपके खाते में समीक्षा कैसे की जाती है, जैसे कि आप जब आवेदन करते हैं कमाई के सेक्शन चालू करते हैं तो कैसे की जाती है, स्वीकार करने के कोई चालू एडियस गूगल एडियस और यूट्यूब खाता लिंक करने के बाद आपका चैनल समीक्षा रूप से सूची से आपका शामिल हो जाएगा। ऑटोमेटिक सिस्टम कार्यवाही के आपको आप पूरा करने के वाले सिस्टम, आपको समीक्षा करने वाले हमारे लोग आपके पूरे चैनल की समीक्षा करेंगे, जो यूट्यूब का टीम है वो पूरे चैनल का आपका समीक्षा करेंगे, यानी पूरी जांच करेंगे। समीक्षा का मतलब होता है जांच करना, पूरे चैनल को आपको जांच करेंगे। इससे यह पक्का किया जाता है कि आपका चैनल हमारी सभी नीतियों का निर्देशक का पालन करता है या नहीं करता है। आपने आवेदन की स्थिति देखने के लिए किसी भी समय यूट्यूब स्टूडियो में कमाई सेक्शन पर जाएं। जब आवेदन की स्थिति देखने के लिए, जैसे आपने आवेदन किया था तो उसकी स्थिति देखने के लिए वाइट स्टूडियो में जाके कमाई सेक्शन पर जाके आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको अगर पहली बार आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता है तो चिंता न करें। आपने अप्लाई किया है, चाहे अटम घंटा पूरा कर लिया है, एक सब्जेक्ट पूरा कर लिया है, तो मान लीजिए आपका आवेदन अस्वीकार नहीं किया जाता है तो चिंता न करें। इसका फैसले के खिलाफ 21 दिनों के भीतर अपील करें, 21 दिन के बाद फिर अपील करें, या चैनल पर लगातार ओरिजिनल कंटेंट अपलोड करते रहे। यानी कि आपको मायूस नहीं होना है, आपको ओरिजिनल कंटेंट 21 दिन तक लगातार वीडियो अपलोड करना है। उसके बाद इसके आपको 30 दिन तक दोबारा आवेदन करने के विकल्प फिर मिल जाएगा। 21 दिन तक लगातार वीडियो अपलोड करेंगे, फिर 30 दिन के बाद यानी कि 1 महीने के बाद आपको आवेदन करने का विकल्प फिर मिल जाएगा, यानी कि फिर ओपन हो जाएगा, आवेदन हो जाएगा। फिर अस्वीकार किया गया था या आपने पहले ही दोबारा आवेदन किया था तो नया आवेदन करने के लिए आपको 90 दिन तक इंतजार करना पड़ेगा। जैसे तो जब आपका आवेदन चालू हो जाएगा 1 महीने 30 दिन के बाद, तो आपको 90 दिन तक वेट करना पड़ेगा, यानी कि 3 महीने का वेट करना पड़ेगा, तब फिर आपका आवेदन फिर आपको एलिजिबल होगा, यानी कि फिर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन सरकार असरकार होने के या वजह यह हो सकता है कि हमारे समीक्षक में पाया हो जिससे चैनल के कुछ वीडियो हमारे नीतियों के उल्लंघन का पालन नहीं करते हैं, यानी कि जो उनके टीम आपके चैनल को जांच करेंगे तो उसके अंदर जो वीडियो आपने कॉन्टेंट डाला हुआ है तो वो वीडियो उनके उल्लंघन को, उनके नीतियों को उल्लंघन करता है, इसलिए आपका चैनल यानी कि आपका अप्लाई आवेदन अस्वीकार किया कर दिया गया है। उसके बाद इसके लिए यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के लिए दोबारा आवेदन करने से पहले अपने चैनल के इन वीडियो को जांच करें जिनमें बदलाव करें। अगली बात ज्यादा मजबूती से अपने चैनल को दावेदारी पेश करने के तरीके में बारे में जाने, यानी कि मान ली कोई वीडियो में आप में कोई भी दिक्कत आ गई है तो उस वीडियो को आप हटाइए, वहां से यूट्यूब से डिलीट करिए, या फिर उसके अंदर अच्छा कॉन्टेंट डालिए और चेक करिए, फिर दोबारा गौर से देखिए। सारे वीडियो को आपको चेक करना है कि हमारे वीडियो में कौन सा कमी आ गया जिसके उनके नीतियों को उल्लंघन कर दिया है। उसके बाद आप दावेदारी के साथ पेस्ट कर सकते हैं कि हमारे वीडियो में कोई भी खराबी नहीं है, आपके टीम में कोई खराबी हो सकता है, इसलिए हमारे चैनल में वीडियो में कोई दिक्कत नहीं है, ये दावेदारी पेश कर सकते हैं। कमाई करने का पेमेंट पाने का तरीका चुननी है, जैसे आप कमाई करने से पेमेंट पाने का तरीका चुन सकते हैं कि आपको कैसा कमाई करना है। ये सारे अप्लाई हो जाने के बाद, आपका चैनल मोनेटाइज हो जाने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। YouTube प्रोग्राम में शामिल होने के बाद YouTube स्टूडियो में वॉच पेज पर दिखने वाले विज्ञापन, शॉर्ट फीड से दिखने वाले विज्ञापन, पैसे चुका देने वाली सदस्यता, आपको 3 जगह और सुपर और शॉपिंग वगैरह का इस्तेमाल शुरू किया जा सकता है। जैसे तो आपको सिर्फ वॉच पेज से जो एड्स दिखेंगे, विज्ञापन दिखेंगे वो सुविधा, और शॉर्ट फीड में जो एड्स दिखेंगे वो सुविधा, और दूसरा विज्ञापन दिखेंगे वो सुविधा, और पैसे चुका की जाए सदस्यता। जैसे कि आप एक बढ़िया चैनल बना सकते हैं जो सदस्य में पैसे लेकर उसके अंदर सदस्य लिया जाए, जो जो बंदा आपको सदस्य लेगा यानी सब्सक्राइब करेगा तो वो कुछ पैसा आपको देगा, तभी आपके चैनल को सदस्य ले सकते हैं। यानी कि आप मेन फीचर्स बढ़िया बढ़िया चीज उस चैनल पर बताते होंगे तो वो वीडियो देखने के लिए उसको सदस्य लेना पड़ेगा, आपको पैसा देगा तभी आपको अपने चैनल पे वो सदस्य ले सकता है, आपका वीडियो देख सकता है, और सुपर थैंक और शॉपिंग से वगैरह से आप शुरू की कमाई कर सकते हैं। इस तरह से आप अपने YouTube से पैसा कमा कर सकते हैं YouTube प्रोग्राम पार्टनर में शिफ्ट होने के बाद। फिर उसके बाद कमाई करने की जुड़ी सुविधाएं चालू करने के लिए हम आपको उससे जुड़े मॉड्यूल्स के शर्तों को स्वीकार करना होगा, जो उसके अंदर शर्तें होंगे उसको भी स्वीकार करना होगा आपको अपने चैनल के थ्रू में, तब आपको पैसा मिलेगा। विकल्प में बारे में ज्यादा जाने, कमाई करने के तरीका चुनने के बाद आपके पास विज्ञापन प्राथमिकता मैनेज करने और अपलोड किए गए वीडियो में कमाई करने की सुविधा चालू करने अलावा और कुछ
बहुत कुछ करने का विकल्प होगा, अक्सर पूछे जाने वाले सवाल सूची में देंगे। जाने कि YouTube प्रोग्राम पढ़ने शामिल होने के बाद नए क्रिएटर इस तरह से सवाल पूछते हैं कि ये सब हो जाएगा, अपलोड कर देंगे, ये सब सुविधा चालू हो जाएगा, उसके बाद पेमेंट पाना। YouTube पार्टनर के तौर पर अपनी कमाई का आसानी से समझने के लिए हमारे सहायता केंद्र पर जाएं। आपके एडेंस के यूट्यूब के पेमेंट की जुड़ी समस्या हल करने के बारे में जानकारी मिलेगी। आप हम उनके टीम सहायता के पास जा सकते हैं। आप अपने पैसे पेमेंट पाने के थ्रू में बात कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, जैसा वो बताएंगे वैसा आपको करना होगा। आपके चैनल को फिर दोबारा फिर चेक किया जाएगा वहां पे भी। कमाई जारी रखने के लिए लगातार वीडियो अपलोड करना होगा। यहाँ तो कमाई आपको करना है, पैसा कमाना है, तो वो लगातार वीडियो अपलोड करना है, एक भी दिन मिक्स नहीं होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्रिएटर शामिल हो रहे हैं, इसलिए चैनल पर सही कंटेंट डालना, सही ओरिजिनल कंटेंट डालना और उन पर लगातार वीडियो अपलोड करते करना जरूरी है। अब हम उन्हें क्रिएटर से ज्यादा ध्यान देते हैं जो लगातार वीडियो अपलोड करते हैं। यह तो जो लगातार वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब उसको सपोर्ट ज्यादा करता है। ध्यान देना, आप किसी के बहकावे में मत रहिए। यूट्यूब सपोर्ट करता है आपको, जब लगातार वीडियो डालेंगे तभी सपोर्ट करेगा आपके वीडियो को, इम्प्रेस भेजा कि ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचाएगा, आपके चैनल को ग्रो ज्यादा मिलेगी। इसलिए हम उस चैनल को ज्यादा कमाई करने सुविधा बंद कर सकते हैं। जो बात जो वीडियो लगातार अपलोड नहीं करते हैं उनका सुविधा पैसे कमाने का, पिछले 6 महीने से ज्यादा समय कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है या कम्युनिटी टैब में कोई पोस्ट नहीं किया डाली गई है तो उसको सुविधा बंद कर दिया जाएगा, यानी कि YouTube प्रोग्राम पार्टनर से हटा दिया जाएगा, यानी कि दोबारा वो फिर अप्लाई करे तब जाके उसको पैसे कमाई कर सकता है, या तो फिर वीडियो डालते रह जाएगा, एक भी फूटी कौड़ी नहीं मिलेगा। तो ये सारे शर्तें आपको मानना होगा, यानी कि समझना होगा, आपको जानना होगा, तभी आप पैसे कमा सकते हैं YouTube चैनल से थ्रू में। ये वरना आप बीच में 1 रुपया नहीं पाओगे। कितना भी वीडियो डाल लो, कितना से कितना अच्छा कंटेंट बना लो, आपका कितना ज्यादा सब्सक्राइबर भी गेन हो जाए, यानी कि पैसा भी नहीं मिलेगा। ये जो शर्तें हमने बताया आपको सेटअप बाय सेटअप, आपको सारे को फॉलो करना होगा। तो वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं अंगद वर्मा टेज पॉडकास्ट पर, यानी कि इसी तरह का लेसन टिप्स पाने के लिए आपको इस वीडियो को सब्सक्राइब करके रखना है। ध्यान देना मेरी बात को। तो जय हिंद, वंदे मातरम।